दूध है हमारा सेना मिठाई के लिए, ये गर्म हो चुका है। तो अब इसको ब्रेक करेंगे, अब इसको बेकिंग सोडा, लेमन जूस या टाटली से कर सकते हैं। और ये दूध के अंदर टाटली डालेंगे तकरीबन 10 ग्राम पानी में घोल के, और दूध को इस तरह से चलाते रहेंगे ब्रेक करने के लिए। और दूध में थोड़ा टाटली का पानी डालेंगे, और इस तरह से जो दूध है वो फट चुका है। और ये फटा हुआ दूध को छानने वाला छन्नी पे डालेंगे, जिससे कि इसका पानी अंदर चला जाए और जो छेना है वो मिठाई बनाने के लिए बाहर रहे। ये इस तरह से डाल लेंगे, बंद कर लीजिए। छेना बना पांच से दस मिनट तक हम इसको रगड़ेंगे। और छेना को ब्रेक करने के बाद ये एक किलो शक्कर ले लिया हमने फ्राई पैन में, और इसको गला के चाशनी बना लेंगे। और जैसे ही ये शक्कर गल जाएगा, ये गाढ़ा हो जाएगा, और शक्कर को हम पानी डाल के कुछ देर उबलने देते हैं। दस मिनट तक शक्कर को उबालने के बाद ये चाशनी हमारा तैयार है। इसको और आधी चम्मच चाशनी में मैदा घोल के डाल देंगे, जिससे अच्छे से झाग आए और हमारा मिठाई अच्छे से पक फूल जाए। अब हम रबड़ी सूखा का चमचम बना रहे हैं, जिसके लिए हमने ये पेड़े बना लिए हैं। ये है हमारा रबड़ी चमचम, जिसको हम गरम चाशनी में पकने के लिए डाल रहे हैं। अब हम इसको तेज आंच पे 15 मिनट तक पकाएंगे। चुका है? हाँ, ये हमारा रबड़ी चमचम तैयार हो चुका है। अब हम इसे निकाल कर चाशनी में डालेंगे। अब थोड़ी देर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। पांच मिनट चाशनी में रखने के बाद हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे।